Assalamualaikum students, now we are going to continue our detailed ones. Question number one, describe the geographical features of mountains. पहाड़ों के तबीयत को कॉल, ठीक है? Geographical features आपने बताने. Answers, these are the highest lands. या highest lands होते हैं. There is no fixed height. इनकी कोई fixed height नहीं होती कि मतलब ये इतने meters हो तो इतने meters हो. And each hill become a mountain. ना तो कोई यानी कि fixed height नहीं है जहाँ पर एक पहाड़ी जो है वो मुकम्मल पहाड़ बन जाए. But mountains are usually above 2000 to 3000 meters. लेकिन एक पहाड़ जो है वो 2000 से 3000 meter की बुलंदी पर होता है. सम माउंटेन्स लाइक द हिमालय और काराकम आर शार्प एंड पॉइंटेड. अब हिमालय और काराकम के पहाड़ जो होते हैं ना वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं. दिस मीन्स दैट इन टर्म ऑफ ज्योग्राफी दे आर यंग माउंटेन्स बिटवीन 1.5 to 6.6 मिलियन. मतलब ये यंग माउंटेन्स होती हैं जो 1.5 to 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड होती है. माउंटेन्स हैव अच्छा दे हैव हैड देयर शार्प पॉइंट्स वॉर्न अवे बाई रेन फ्रॉस्ट एंड वाइंड सो दैट दे आर मोर राउंड. क्या होता है कि पहले तो ये शार्प पॉइंटेड यानी कि इनकी होती है ना नो यानी के ऊपर, लेकिन फिर क्या होता है जैसे जैसे बारिश होती है फिर फ्रॉस्ट वगैरह होती है तो फिर यानी कि मौसमों के साथ की वजह से इनकी जो ये टिप होती है ना ये शार्प से राउंड में चेंज हो जाती है. ओके देन नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन हिल्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. हिल्स कहते हैं पहाड़ियों को, प्लेट्यू सतह मुर्तफा, प्लेन्स मैदान, हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ. दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल, ये सी लेवल से अबव होती हैं बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स. देखिए इतनी बड़ी नहीं होती जितने माउंटेन्स होते हैं. दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब इन पर होती है सच एज ग्रास, छोटी मोटी घास फूस, दरख्त, फार्म क्रॉप्स ऑन टेरेस फील्ड. मतलब टेरेस फील्ड मतलब खेतीदार यानी कि ऊपर ना मतलब वो की जाती है टेरेस फील्ड, सीधा मतलब खेल में जाते हैं. प्लेन्स मैदान, दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स. ये फ्लैट लैंड होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं. सम आर एट सी लेवल, कुछ तो बिल्कुल सी लेवल समुद्री सतह समुद्र से बिल्कुल साथ होते हैं और कुछ थोड़े से हाई. द प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक्स प्लेस. अब ये जो प्लेन्स है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है. प्लेट्यूज सतह मुर्तफा, सतह मुर्तफा यहाँ से ऐसे ऊपर फ्लैट होती है लेकिन हाइट होती है उसकी. दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, ये फ्लैट लैंड एरियाज है वेल अबव सी लेवल लेकिन सी लेवल से अबव होते हैं. सम प्लेट्यूज आर फर्टाइल, कुछ सतह मुर्तफा जो होती है वो फर्टाइल जखेज होती है वाल अदर्स आर पुअर लैंड, लेकिन कुछ होती है वो बंजर वगैरह जमीन होती है, अच्छी जमीन नहीं होती खेती बाड़ी के लिए. इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, ये उनकी हाइट पर डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब बारिशों की बारिशें कितनी होती हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है. अब आप लोगों ने इसकी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं कॉपीज पर. अब कल हम न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 16, अली पाकिस्तान. टेक केयर एवरीवन.